सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं तार हमारे कदमों की। विश्वास में विष भी है और आस भी है, ये स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। आज का पंचांग 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:53 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:14 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। धनु राशि 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों में ही अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेगी। आपसे सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगी। आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा कोई रुका हुआ कार्य निकालने में सक्षम रहेंगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण भी मिलेगा। जितने तकलीफों का सामना अभी तक रुका है उनका यह आखिरी पड़ाव है। इस समय के बाद पहले जैसी परिस्थिति ना बने, इसके लिए सतर्कता रखें। अपनी जीवन शैली को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरत से अधिक खर्च ना करें। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ती कंपटीशन की वजह से अपेक्षित जगह एडमिशन लेने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पार्टनर अपनी प्रगति के साथ आपके जीवन में भी प्रगति हो इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। बच्चों को इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, इनकम के अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। कभी कभी मन में निराशाजनक व नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। किसी छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में कुछ अव्यवस्था जैसा माहौल रहेगा, परंतु परिस्थितियों को संभालने का दायित्व आपको ही निभाना पड़ेगा, इसलिए प्रयासरत रहें। आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी, परंतु अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सहज योग्यता नहीं रही, लेकिन आप आपकी बार यह कर पाएंगे। सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। बात करते हैं करियर की। आज आप काफी समय के साथ भाग दौड़ करेंगे, परंतु उतना संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। नया क्रय कार्ड ना बनवाएं। इस समय बिजनेस में बेहतरीन परिस्थितियां बनेगी, उनका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। व्यावसायिक निवेश जैसी गतिविधियों में काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की। मानसिक व शारीरिक थकान रहेगी, मेडिटेशन और योग इसका उत्तम समाधान है। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई छोटी चोटें भी गंभीर सिद्ध हो सकती है।
आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम ना करें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आज का उपाय, आज आप शनिदेव की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।